खेडली कस्बे में अतिक्रमण को लेकर नगरपालिका प्रशासन सख्त हुआ है। अधिशासी अधिकारी प्रमोद कुमार जेईएन मुकेश मीना व नायब तहसीलदार लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में टीम द्वारा बाजार से स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। वहीं सड़क पर रखे दुकानदारों के सामान को जब्त किया गया, साथ ही दुकानों के आगे सड़क पर सामान नहीं रखने की हिदायत दी। इस दौरान काफी दुकानदारों ने अतिक्रमण का विरोध किया। उल्लेखनीय है कि खेडली नगरपालिका में बैठक के दौरान विधायक रमेश खींची व उपखंड अधिकारी सुखाराम पिंडेल ने अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन को निर्देश दिए थे। अभी दो दिन पहले श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में स्थानीय प्रशासन के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, व्यापारियों के साथ एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें आए दिन डेली जो ट्रैफिक जाम रहता है, आए दिन दुर्घटनाएं होती है अस्थायी अतिक्रमण की वजह से या वाहनों को गलत तरीके से पार्क करने की वजह से, तो उसमें आज हमने अभियान चलाया है कि कोई भी अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से जो अतिक्रमण है, तो उनमें जो अस्थायी रूप से रखे हुए उनको तो हटा दिया गया, और स्थायी के लिए इन सबको चेतावनी दे दी गई है कि इन सबको हटा लें, नाले से पीछे कर लें, जिससे सुचारू रूप से यातायात की व्यवस्था बनी रहे। कहाँ कहाँ कार्रवाई की है अभी? आज हमने पहले चरण में रेलवे स्टेशन से लेकर कठुमर रोड तक हाईवे तक कार्रवाई की है, और इसमें दोनों साइड के अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए, सामान भी जब्त किया। आगे भी इस तरह की कार्रवाई रोजाना जारी रहेगी।